अगर आप दिल्ली में हैं या कोई भी दिल्ली में है और घूमने का प्लान बनता है तो सबसे पहले सबके लोगों में दिमाग में यही आता है, चलो ऋषिकेश या हरिद्वार चलते हैं। वैसे तो ऋषिकेश को जो है मुख्य द्वार मानते हैं देवताओं का, बट मेरा नज़रिया जो देखने का अलग है। मैं इसको एक क्रिएटिविटी की तरह से देखता हूँ कि हाँ, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे विज़िट करेंगे जो बहुत ही क्रिएटिव लोग हैं, जिनको स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, जिनको ब्लॉगिंग करनी है, जिनको फोटोग्राफी करनी है। इसके साथ साथ ये एक और चीज़ में फेमस है, यहाँ का स्पोर्ट्स यानी कि राफ्टिंग। तो क्या हुआ, हम सारे लोग ऐसे बैठे हुए थे और सडनली हमें जो है ख्याल आया, चलो वीकेंड आ गया, चलो घूमने चलते हैं। तो हमारे बैग पैक हो चुके थे और हम निकल चुके थे ऋषिकेश के लिए। वैसे मैं एक स्टोरी टेलर हूँ और कहानियाँ सुनाना और बनाना मुझे बहुत पसंद है, तो शुरू करते हैं। तो मुझे छोड़कर मैं इन चारों का इंट्रो पहले करा देता हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो अब जो भी आपको पसंद है, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, जो भी है, ले आइए और बैठ जाइए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। तो हमारी गाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से करीब 11 बजे की थी, तो हम लोगों ने अपना बैग पैक कर लिया और निकल गए स्टेशन की तरफ। उस समय बहुत फॉग थी, जिसे इस वीडियो में आपको देख के पता लग जाएगा, और चेहरे पर हम लोगों की इतनी खुशी थी, ये फॉग भी हमें रजाई की तरह करी थी। तो आप इन चारों लोगों के चेहरे की जो है खुशी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये लोग कितने खुश हैं। तो तकरीबन 4 या 5 के बीच में हम दिल्ली से हरिद्वार पहुंच चुके थे, क्योंकि जो है हमारी ट्रेन जो है, वैसे भी जो ट्रेन है दिल्ली से हरिद्वार तक ही जाती है और फिर वहां से हमें या तो बस या टेम्पो से ऋषिकेश के लिए निकलना पड़ता है। 4 या 5 के आसपास पहुँचने के बाद वहाँ का नज़ारा ऐसा था, कुछ देखने को ही बनता था, और सारे लोग बहुत ही खुश थे। तो हमने क्या किया, हम 6 और 7 बजे के बीच में टेम्पो के द्वारा जो है लक्ष्मण झूला तक पहुंच चुके थे। तो हाँ, लक्ष्मण झूला को जो क्रॉस करना था तो खुद से ही क्रॉस करना था, तो हमने ये डिसाइड किया कि चलो अपना अपना सामान सारे लोग कैरी करते हैं और क्रॉस कर रहे हैं। जब हम लक्ष्मण झूला पर जा रहे थे तो सुबह जो मॉर्निंग का जो दृश्य होता है बहुत ही सुहाना होता है, ऊपर से सुंदर ठंडी हवा, नीचे माँ गंगा का फ्लो बह रहा था और ऊपर से हरी हरी सब सारे पहाड़ दिख रहे थे। उन पहाड़ों को देख कर दिल इतना खुश हो गया था कि मन कर रहा था सारा टाइम यहीं पे रहें, बट थक इतना चुके थे कि हम लोग होटल की तरफ चले गए वापस आने के लिए। सो एक्साइटमेंट की वजह से मैं होटल चला तो गया और हम सारे चले गए थे, लेकिन मुझे जो है नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे शूट करना था और वो शाम को जो टाइम होता है फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जैसे ही शाम हुई हम नीचे घाट की तरफ चले आए और मेरा होटल भी बहुत अच्छी जगह पर था, क्योंकि आशीष को उस पूरे लक्ष्मण झूला के आसपास का एरिया सब कुछ पता हुआ था। जो है आप यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको? देखो, जो भी डिवाइन प्लेसेस होते हैं, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, ये कोई भी बनारस हो, एक अलग ही तो अनुभूति होती है ना। अब ये सब नेचुरल है, नेचुरल मतलब गंगा भी है, नेचुरल पत्थर स्टोन भी है, मंदिर भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, पूजा भी हो रही है और अलग जो है शांति है। तो कहते हैं ना कि शहरों की जिंदगी से जब उग जाता है ना आदमी, तो ये पहाड़ नदियाँ यही सब अच्छी लगती है उसको। तो कहीं है तो अच्छा, और उसके साथ साथ देखो ये डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स बट मैं मजाक कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स नहीं है, स्पोर्ट्स है, राफ्टिंग हो रही है, वो लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि आप किस तरीके से इंजॉय कर सकते हो हर एक मोमेंट को, वो डिपेंड करता है, राइट है ना। चाहे आप यहाँ शांति में आओ या आप राफ्टिंग करो, बेसिकली अपने मन को खुश करना बहुत जरूरी है, जो अच्छा लगे वो करो। और ऋषिकेश तो वाकई में मतलब ऑल टाइम मेरा फेवरेट रहा है, ऋषिकेश, हरिद्वार, इसके आगे भी बहुत सी जगह है, बद्रीनाथ मैं अभी आज तक गया नहीं हूँ, तो आगे सोचूंगा जाने के लिए, बट वाकई में वाइब है, वाइब ऋषिकेश की वाइब बिल्कुल। सो देखो गंगा माँ का जो वाटर कैसे फ्लो हो रहा है, और सामने राम झूला, लक्ष्मण झूला।
क्या बना रहा है तू बता? गोली। किसके लिए गोली बना रहा है? मछली के लिए। आटे की गोली? हाँ। तो मछली कैसे खाती है फिर? हाँ? खाएगी कैसे? पुल के ऊपर से डालेंगे तब आएगी। और खा के चली जाएगी? हाँ। तुम्हारी दोस्त है क्या मछली? कलाई। हाँ? वो पहले से खाने आती है। दोस्ती है ना कि नहीं? तो जब हम फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक मंदिर दिख रहा है। इस मंदिर को वैसे 13वीं मंजिल के नाम से जानते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, उस समय मैं ड्रोन लेके नहीं गया था, तो मैंने सोचा चलो इसके साथ साथ मेरा एक और काम भी हो जाएगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया चलो इस मंदिर के 13वीं मंजिल पर चलते हैं, जहाँ से मुझे सिर्फ कैमरे के थ्रू ही जो है ड्रोन शॉट दिखाना था। जब आप मंदिर में एंटर करेंगे तो आपको एक राउंड राउंड सर्कल में जो है ऊपर पहुंचना होता है। वहाँ पे सारे आपके देवी देवताओं के जो है मूर्तियाँ दिखेंगी, आपको दर्शन करते हुए जाना होता है। जब आप मैं 13वीं मंजिल पे पहुंच गया तो वहाँ से जो नज़ारा दिख रहा था ऋषिकेश का, वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था। वो आप मेरे इस कैमरे के थ्रू देख सकते हैं। ऊपर से पहाड़, नीचे माँ गंगा, ऊपर से इतनी सुंदर हवा, फ्लो इतना अच्छा था, हर एक दृश्य जो है एक ऐसे पेंटिंग की तरह लग रहा था। तो कुछ समय ऊपर मंदिर को बिताने के बाद हम लोग नीचे आ गए और सबको भूख लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कोई ऐसा जो है रेस्टोरेंट देखा जाए जहाँ से माँ गंगा के दर्शन भी होते रहें, इस सीनिक व्यू को एंजॉय भी किया जा सके। आशीष को इस जगह के बारे में सब कुछ पता हुआ था, तो मैंने सोचा कि ना ऐसे रेस्टोरेंट में चला जाए जहाँ से माँ गंगा के दर्शन भी हो सकें और हम लोग इस पूरे सीनिक व्यू को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो हम लोग एक अच्छे रेस्टोरेंट में पहुँच गए जहाँ से माँ गंगा और वाकई में पहाड़ों का दृश्य इस तरीके से दिख रहा था। ये पहाड़ और ये नदियाँ वाकई में सबको दिल को बहुत सुकून देती हैं, यानी कि मन की शांति मिलती है। बहुत कुछ टहलने के बाद, देखने के बाद, मार्केट घूमने के बाद, हमने फिर से सोचा कि रात में लक्ष्मण झूला पे आएंगे और वहाँ की लाइटिंग देखेंगे। तो एक्साइटमेंट से मैं पूरा भरपूर था और सारे लोग भरपूर थे, तो कुछ उस हिसाब से हमें ड्रेसिंग भी करनी थी। तो रात में हमने क्या किया, जैसे ही रात हुई 6 या 7 बजे के बाद हम लोग लक्ष्मण झूला पे पहुँच गए। You can go. क्या कभी अंबर से सूर्य निकलता है? कैसी है ये रोहनी, हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू। अरे यार बाबू।
नहीं नहीं कोई नहीं, दूसरा 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 वहाँ पे बहुत सारी मस्ती करी, वहाँ पे फोटोग्राफी करी, बहुत से लोग थे जो फोटोग्राफी कर रहे थे, हम लोग भी फोटोग्राफी कर रहे थे और मुझे वीडियो शूट करना था तो मैं वीडियो भी शूट कर रहा था। शाम की जो हवा होती है, रात की हवा, वाकई में बहुत ही सुंदर थी। और जो लक्ष्मण झूला पे जो लाइटिंग लगी हुई है उसको देख करके तो ऐसा लग रहा था कि वाकई में वाओ क्या ब्यूटी है। कोविड की वजह से लक्ष्मण झूला को करीब 10 बजे तक बंद कर देते हैं एंट्री, तो हम लोगों को जल्दी जो है होटल की तरफ वापस जाना पड़ा। और मैं यह सोच के गया था कि सुबह मुझे अच्छे से शूट करना है, तो मैंने आशीष ने ये डिसाइड किया कि सुबह हम आएंगे, अर्ली मॉर्निंग आएंगे और ड्रोन शॉट कुछ लेंगे और उसके बाद जो है अपना सिनेमेटिक शॉट लेंगे, वो शूट करेंगे। होटल के पास की जो सड़क थी वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत थी, तो मैंने और आशीष ने ये डिसाइड किया सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, पहले हम ड्रोन को जो है ड्रोन के द्वारा पूरा एरियल शॉट लेंगे, उसके बाद सिनेमेटिक शॉट लेंगे। और हमने कपड़े भी वैसे ही पहन रखे थे, तो सुबह का वक्त कुछ इस तरीके से था। हमने चाय पी, चाय पीने के बाद हमने शूट करना चालू किया और घाट की तरफ निकल गए। थोड़ा बहुत शूट करने के बाद हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि हमने सब कुछ कर लिया है, माँ गंगा के दर्शन भी कर लिए हैं, लक्ष्मण झूला भी घूमा है, शॉपिंग भी कर ली, तो बचता लास्ट में क्या है, राफ्टिंग। तो इसमें सब लोगों ने डिसाइड किया चलो राफ्टिंग करते हैं। मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, मुझे नहीं जाना था क्योंकि मुझे शूट भी करना है और मेरे इसलिए मैं डरा हुआ था कि मेरे इक्विपमेंट जो है थोड़े भीग ना जाएँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती और मैं होटल में छोड़ना नहीं चाह रहा था। बट यही डिसाइड हुआ कि चलो चलते हैं। तो ये करीब मेरे ख्याल से 15-80 किलोमीटर की राफ्टिंग की जर्नी थी, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही एडवेंचरस होता है। अगर आप में करेज है तो मैं चाहता हूँ आप करें ज़रूर, अगर आप में डर है तब पर भी आप करें, क्योंकि वो डर आपका निकल जाएगा। और हम सब ने राफ्टिंग के कुछ नियम और कुछ कानून जो है, जो हमारा गाइड था उस बता रहा था, हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग काम किया और राफ्टिंग के लिए हम लोग निकल गए। जब हम राफ्टिंग कर रहे थे तो हम लोगों की जान निकल रही थी, और जैसे जैसे रैपिड करीब आ रहे थे हम लोगों की जान निकल रही थी। तो एक रैपिड होने के बाद थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो सब में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, लेकिन ये नहीं मालूम था कि आगे और भी रास्ता टफ होने वाला है। जिस तरीके से गेम का लेवल जो है टफ होते जाते हैं, उस तरीके से ये मुझे वैसे ही लग रहा था कि ये एक गेम है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे और उसके लेवल जो है, उसके रैपिड जो है और टफ होते जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अभी जो है बोट पलट जाएगी, अभी बोट पलट जाएगी, अभी हम कहीं टकरा जाएंगे, अभी कोई ना कोई गिर जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हमें जो गाइड ने जिस तरीके से हमें गाइड किया, हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, तो हमारी बोट जो है लगभग बची हुई थी और कुछ लोग पीछे भी जो है हमारे हमें फॉलो कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। Let's go!
तो पूरा ये करीब तकरीबन 1 से 2 घंटे का रास्ता हमने धीरे धीरे इसे तय कर लिया। और जब वापस होटल के पास हमारी एक्चुअली जो है राफ्टिंग का जो एरिया माँ गंगा का फ्लो था हमें यार होटल के पास ही ले जा रहा था, तो जिस तरीके से हमने राफ्टिंग तय करी वो हमारे होटल के पास पहुँच चुके थे। और पहुँचने के बाद एक होता ना कि हाँ वी डिड इट, हमने कर लिया, हमने करके दिखाया, सब लोगों को जो है खुशी से आत्मविश्वास से भरे हुए थे। तो ये तो ऋषिकेश का पहला पार्ट है जो मैंने आपको बताया। तकरीबन हम यहाँ पे 4 से 5 दिन रुके हुए थे और हमने ये सोचा था कि हम इस पूरे ऋषिकेश को जो है 5 दिन में कवर कर लेंगे। तो अगर मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा तो ये पूरा कुछ लेंदी हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला, उसको भी मैं बहुत अच्छे से तरीके से आपको समझाऊँगा और नरेट करूँगा। पहला पार्ट देखने के बाद दूसरे ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ बने रहिएगा। मैं आपको इसी तरीके से और भी अपनी यात्राओं के बारे में, अपनी स्टोरीज़ के बारे में, अपनी ट्रैवलिंग के बारे में आपको बताता रहूँगा। और हाँ, अगर आपने जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से स्टोरी सुनाता रहूँगा और आपको इंटरटेन करता रहूँगा। आप वर्चुअली वहीं से बैठे बैठे हर जगह का आनंद लेते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।